बरेली विकास प्राधिकरण ने रामगंगा नगर आवासीय योजना में किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। अवैध कब्जेदारों ने बीडीए की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण आदि करा लिए थे। बीडीए की इस कार्यवाही से आवासीय परियोजना के अंतर्गत करीब 30 करोड़ रुपए की कीमत की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। हालांकि बीडीए की ओर से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बीडीए की ओर से रियायती दरों पर बीडीए से प्लांट आवंटित कराने का ऑफर दिया गया था, लेकिन अवैध कब्जेदारों ने बीडीए के इस ऑफर में कोई रुचि नहीं ली और अवैध कब्जों को बरकरार रखा, जिसके बाद बीडीए ने अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की है। विकास प्राधिकरण की अवैध भूमि पर काबिज अवैध कब्जेदारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूर्व में इन अवैध कब्जेदारों को रियायती दरों पर प्राधिकरण के प्लॉट प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। इन अवैध कब्जेदारों को बिना डाउन पेमेंट के 10 वर्षों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। जो लोग प्लॉट लेने के इच्छुक नहीं थे उन्हें बार बार अनुरोध किया गया था कि वे अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें ताकि अवैध कब्जों को हटवाकर आवंटियों प्लॉटों का कब्जा दिया जा सके। अवैध कब्जों के कारण पूर्व भुगतान के बाद भी बड़े पैमाने पर आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा पा रहा था। आज दिनांक 12/5/2022 को बरेली विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई की गई तथा 28 अवैध कब्जेदारों से अर्जित भूमि खाली कराई गई, जिसकी कीमत लगभग ₹30 करोड़ है। शेष अवैध कब्जेदारों को भी 2 दिवस का समय प्रदान किया गया तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वह 2 दिवस के अंदर अपने अवैध कब्जे स्वयं हटा लें। उक्त दस्तीवान के क्रियान्वयन के समय प्राधिकरण के सचिव अधीक्षणता अधिशासिता समस्त सहायकता समस्त अवरणता एवं स्टाफ तथा पुलिस बल के सहयोग से शांतिपूर्ण कार्रवाई की गई। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।